गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल सब्जेक्ट में टिश्यू का डिस्क्रिप्शन करेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ऊतक। यानी हमारे बॉडी में बहुत प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। टिश्यू से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स, इसके अलावा सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन, और इससे पहले वाली क्लास में सेल का डिवीजन भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टिश्यू के बारे में। द टिश्यू ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एंड दे आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू साइज, शेप, फंक्शन ऑफ दी सेल्स। यानी जो हमारे बॉडी में टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम हो गया, तो स्केलेटल सिस्टम को छोड़ करके हमारे बॉडी में बहुत टाइप के टिश्यूज होते हैं। हमारा बॉडी का जो पूरा ढांचा है वो वेरियस टाइप के टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू से मिलकर के बना है। जैसे हमारा चेहरा हो गया, फिंगर हो गया, हमारी मस्कुलर पोर्शन हो गया, हमारा हार्ट हो गया, और इसके अलावा जैसे हार्ट में पंप करने के लिए कुछ आर्टरी हो गए, कुछ ग्रंथियाँ हो गई, ये सारी चीज़ मिल करके हमारे टिश्यू और मसल्स से मिल करके बने होते हैं। तो इनके फंक्शन के अनुसार और इनके साइज के अनुसार ये बहुत टाइप के होते हैं। इन सारे टाइपों का डिस्क्रिप्शन हम आज की क्लास में करेंगे। देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू। हमारे बॉडी के अंदर मेन चार प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। दे आर, जैसा कि आप ये पिक में देख पा रहे हैं, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, एनिमल टिश्यूज। जो मेन फोर टाइप के टिश्यूज होते हैं वो होते हैं, पहला इपिथीलियल जो आप पिक में देख पा रहे हैं, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, और चौथा होता है नर्वस। तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर मेन चार टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। तो पहला होता है इपिथीलियल। इपिथीलियल टिश्यूज फाइव टाइप का होता है। तो इपिथीलियल टिश्यू में पहला होता है स्क्वामस, दूसरा होता है क्यूबॉइडल, तीसरा होता है कॉलमनर, थर्ड होता है सिलिएटेड, और लास्ट होता है ग्लैंडुलर। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं हमारे ज़्यादातर हॉलो ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। हॉलो ऑर्गन्स जैसे जैसे कि हमारी खून बहने वाली जो नसें हो गई, ये नसें हो गई, कुछ ग्रंथियाँ हो गई, तो इन जगहों पर ये एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, जिसमें से सेज और साइप सेज मतलब कि हमारे जो शेप एंड साइज के अनुसार, यानी उसका जो बनावट होगी और उसका जो साइज होगा उसके अनुसार ये तीन चार प्रकार के होते हैं। जैसे कि स्क्वामस सेल्स एक लेयर लेयर में पाए जाते हैं, यानी एक परत वाइज पाए जाते हैं। क्यूबॉइडल, ये क्यूब शेप के होते हैं, जैसे कॉमा लगाते हैं इंग्लिश में हम, इस टाइप का क्यूब शेप के पाए जाते हैं। कॉलमनर, एक कॉलम शेप के होते हैं, जैसे कि हम कॉलम ड्रॉ करते हैं तो उस टाइप के कॉलम शेप के होते हैं, तो कॉलमनर टिश्यूज बोले जाते हैं। नेक्स्ट सिलिएटेड, सिलिया, जैसे मैं फिंगर दिखा रहा हूँ, इस टाइप के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के जो भी टिश्यूज पाए जाएंगे वो सिलिएटेड, ये ज़्यादातर हमारी आंतों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार ग्लैंडुलर टिश्यू भी होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू। एपिथीलियल के बाद अगला जो हमारा मेन टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू मेन चार प्रकार का होता है, जैसे कि एरियोलर हमारे टेंडन और लिगामेंट्स में पाए जाते हैं। टेंडन जो हमारी हड्डियां होती हैं, हड्डियों से हड्डियां जब जुड़ती हैं तो वहां पर टेंडन पाया जाता है, और लिगामेंट भी यानी ज्वाइंट्स में, ये दोनों के दोनों पाए जाते हैं, वहां पे एरियोलर टिश्यू होता है। नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू, इसमें फैटी, जैसे कि लोग बहुत सारे मोटे होते हैं, इसमें फैटी टिश्यूज कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से मोटापा भी बढ़ता है। नेक्स्ट होता है स्केलेटल टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में भी स्केलेटल टिश्यू आता है। स्केलेटल में बोन हमारे होते हैं, जो हमारी हड्डियाँ पूरे शरीर की होती हैं, वो हड्डियाँ भी एक प्रकार की टिश्यूज होते हैं, जो कि बोन कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्टिलेजेस, बोन के जस्ट ऊपर, बोन के थोड़ा सा ऊपर में कार्टिलेज पाया जाता है। उस कार्टिलेज से अगली बोन जब जुड़ती है, उसी कार्टिलेज के माध्यम से ही बीच में जो लिक्विड होता है उसकी वजह से ये आपस में मीन्स कि फ्रिक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट एक जगह पे जुड़े हुए रहते हैं। इसका हम डिस्क्रिप्शन आगे स्केलेटल सिस्टम में भी करेंगे। नेक्स्ट है फ्लूइड। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि हमारा बॉडी के अंदर का ब्लड हो गया, तो ये जो ब्लड हो गया और लिम्फ, ये दोनों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में आता है। नेक्स्ट हमारा मेन टिश्यू हो गया मस्कुलर टिश्यू,
जो कि आप इस पिक में देख पा रहे हैं। तो जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो हमारी बॉडी के ज़्यादातर मसल्स बनाते हैं, जैसे कि हमारी हाथ की मसल्स हो गई, हमारी पेट की मसल्स हो गई, और हमारे हार्ट, हार्ट में भी हमारी मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये मसल से बना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी मस्कुलर टिश्यू से बने होते हैं। लास्ट है हमारा नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम। नर्वस टिश्यू में ये भी एक प्रकार का टिश्यू है जिसमें से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन से लेकर के पूरी बॉडी में, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा सिस्टम हमारा नर्वस टिश्यू से मिलकर के बना होता है। तो ये था हमारा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन। अब एक एक करके इनका डिस्क्रिप्शन करेंगे। पहला होता है इपिथीलियल टिश्यू। दिस ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्ड कवरिंग ऑफ द बॉडी। जैसे हमारी बॉडी पूरी कवर होती है, जैसे स्किन हो गया, और हमारे हॉलो ऑर्गन्स, हॉलो ऑर्गन्स में जैसे कि हमारी ट्यूब हो गई, कुछ ग्लांड्स हो गई, उन जगहों पे भी इपिथीलियल टिश्यू पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन ग्लांड्स, मैंने अभी बताया, जैसे कि ये ग्रंथियों में भी ये इपिथीलियल टिश्यू पाया जाता है। ये आपका जो पिक देख पा रहे हैं ये है सिंपल इपिथीलियम। पहला है स्क्वामस, जैसे मैंने बताया था स्क्वामस एक लेयर शेप में होता है और ये एक सिंगल लेयर में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है क्यूबॉइडियल, ये क्यूब शेप के होते हैं, जो कि दूसरा पिक है क्यूबॉइडल का। नेक्स्ट है कॉलमनर, कॉलमनर में ये कॉलम शेप के टिश्यू होते हैं, ये भी हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तो ये कॉलमनर एपिथीलियल टिश्यू कहे जाते हैं। नेक्स्ट है एपिथीलियल टिश्यू मे बी। एपिथीलियल टिश्यूज जो होते हैं, अभी मैंने जो डिस्क्रिप्शन किया है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है सिंपल, सिंपल एपिथीलियल टिश्यू में सिंगल लेयर होता है, जो भी अभी मैंने बताया था, ये सिंगल लेयर सेल्स पाए जाता है इसमें। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, सेवरल लेयर्स होते हैं, मतलब ये कई लेयर का पाया जाता है। तो फर्स्ट हम डिस्क्रिप्शन करेंगे सिंगल एपिथीलियम। तो सिंपल एपिथीलियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स एंड डिवाइडेड इंटू थ्री मेन टाइप्स। जो सिंपल एपिथीलियल टिश्यू होते हैं ये सिंगल लेयर में पाए जाते हैं, मतलब इनकी परत एक ही होती है और ये तीन मेन टाइप के होते हैं। द टाइप्स आर नेम अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द सेल विच डिफर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ये जो इनके नाम हैं वो शेप यानी सेल की बनावट के अनुसार लिए गए हैं, लेकिन इनका फंक्शन सबका अलग अलग होता है। पहला होता है स्क्वामस एपिथीलियम। दिस इज कम्पोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, यानी ये भी फ्लैटेंड मतलब एक चपटी सेल्स, ये चपटे चपटे सेल्स होते हैं और सिंगल लेयर होते हैं, जिनको स्क्वामस एपिथीलियम, अभी मैंने पिक भी इसका दिखाया। द सेल्स फिट क्लोजली टुगेदर लाइक अ फ्लैट स्टोन। जो ये भी सेल्स होती हैं तो ये आपस में क्लोजली फिट होती हैं, और लाइक स्टोन, जैसे कि हमारे पत्थर, जमीन पे पत्थर जैसे सेट किए जाते हैं लाइन से लगा करके, ऐसे ये सेट होते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मिंग अ थिन एंड वेरी स्मूथ मेम्ब्रेन, यानी ये बहुत पतली और बहुत चिकनी मेम्ब्रेन इनसे बनती है। इट फॉर्मिंग लाइनिंग द होलो स्ट्रक्चर, जैसे कि हार्ट, वेयर इज नोन एज इंडोकार्डियम। हार्ट की एक लेयर होती है जिसको इंडोकार्डियम बोलते हैं, इस स्क्वामस एपिथीलियम से ही वो लेयर बनी हुई होती है। नेक्स्ट एल्वोलाई ऑफ द लंग्स, जो हमारे लंग्स फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में सबसे अंदर एल्वोलाई पाया जाता है, तो वो एल्वोलाई ऑफ द लंग्स भी इसी टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। लाइनिंग ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, नेफ्रॉन एंड किडनी, जो किडनी होती है और नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें भी कलेक्टिंग डक्ट जो बनाए जाते हैं, यानी इसी भी ये इसी सेल से मिलकर के बनी होती है। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथीलियम। दीज कंसिस्ट ऑफ क्यूब शेप्ड सेल फिटिंग क्लोजली टुगेदर लाइंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्यूबॉइडल एपिथीलियम में क्या होता है कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है नीचे, बेसमेंट अभी जो मैंने पिक में दिखाया था, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो क्यूब शेप की सेल्स होती हैं ये आपस में एक दूसरे से सिंगल लेयर में जुड़ी हुई होती हैं। इट फॉर्म्स किडनी ट्यूबुल्स, और इससे क्या होती है, किडनी, जो किडनी होती है, किडनी के नीचे एक ट्यूब लगी होती है जिसमें से यूरिन बहकर के ब्लैडर तक जाता है, तो ये किडनी के ट्यूब को बनाती हैं। एंड सम ग्लांड्स, और कुछ ग्लांड्स और या फिर ग्रंथियां भी बनाता है। क्यूबॉइडल एपिथीलियम इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन सीक्रेशंस, जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम होती है ये सीक्रेशंस में भी सहायता करती है, ये हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रेशन, मतलब एब्जॉर्ब करने में भी और सीक्रेशंस को निकालने में भी। नेक्स्ट है कॉलमनर एपिथीलियम। कॉलमनर जो भी मैंने दिखाया था कॉलम शेप में जो टिश्यू थे उनको कॉलमनर एपिथीलियम कहा जाता है। दिस इज फॉर्म्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स,
तो जो कॉलमनर एपिथेलियम होती है तो वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से मिलकर के बना होता है, रेक्टेंगुलर इन शेप एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसके जस्ट ऊपर रेक्टेंगुलर मतलब कि चौड़े चौड़े शेप कॉलम टाइप का इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। द लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज फॉर्म ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, जो हमारा पेट है पेट की कुछ परतें इस कॉलमनर एपिथेलियम विदाउट सरफेस स्ट्रक्चर, मतलब इसका सरफेस वाला जो स्ट्रक्चर छोड़ करके पेट के कई सारे हिस्से इस लेयर से मिलकर के बने होते हैं। द सरफेस ऑफ द कॉलमनर एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कवर्ड विथ माइक्रोविलाई, यानी कॉलमनर एपिथेलियम से जो हमारी छोटी आंत जिसको बोलते हैं छोटी आंत भी माइक्रोविलाई से इसमें कवर होती है। माइक्रोविलाई प्रोवाइड वेरी लार्ज सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जो माइक्रोविलाई छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं हमारी आंत में तो वो बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं, यानी पूरे हमारे इंटेस्टाइन में फैले होते हैं, जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हम कुछ खाते पीते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के काम आते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स, जो मैंने बताया था अभी कि जो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम होती है वो कई लेयर में मिलकर के बनी होती हैं और ये वेरियस शेप यानी कई प्रकार के आकार की भी होती हैं। नेक्स्ट है इसी में बेसमेंट मेम्ब्रेन आर यूजुअली अब्सेंट, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है। द मेन फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम इज प्रोटेक्ट अंडरलाइन स्ट्रक्चर फॉर मैकेनिकल वियर एंड टीयर, यानी जो हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम होती है तो वो हमारी मेनली वियर एंड टीयर के लिए बनी होती है, यानी कुछ ही चीज़ कुछ चीड़ने फाड़ने से रिलेटेड, जैसे किसी चीज़ को चीड़ना है फाड़ना है तो देयर आर टू मेन टाइप्स, पहला होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एंड दूसरा होता है ट्रांजिशनल, ये दो मेन टाइप के होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एंड ट्रांजिशनल। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम, दिस इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ सेल्स, ये नंबर ऑफ सेल्स कई सारी लेयर से मिलकर के बनता है। इन द डीपेस्ट लेयर इन द सेल्स आर मेलनी कॉलमनर, तो जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम होता है इसकी जो डीपेस्ट मतलब जो सबसे नीचे वाली जो परत होती है वो कॉलमनर की बनी होती है। एज दे ग्रो टुवार्ड्स द सरफेस, जैसे जैसे कि ये धीरे धीरे बड़ी होती है तो ये सरफेस की ओर बढ़ती है, दे बिकम फ्लैटेंट, तो ये एक चपटी हो जाती हैं, यानी नीचे जो होंगी वो कॉलम शेप की होंगी, जैसे पिक में देखे आप ये कॉलमनर सेल्स जो सबसे नीचे दिखाया गया है ये कॉलम टाइप की हैं, फिर जैसे 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 ये ऊपर की ओर बढ़ी हैं तो ये स्क्वामस यानी फ्लैटेंड टाइप की हो गई हैं एंड देन सेट, फिर इसके बाद धीरे धीरे और ऊपर जा करके फिर ये हमारे अलग भी हो जाती हैं स्किन से। स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, ये फिगर आप देख रहे हैं जो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम का है। नेक्स्ट है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, ये भी केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम का ये भी एक टाइप है जिसको केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम बोलते हैं। दिस इज फाउंड ऑन ड्राई सरफेस, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे सूखी सतह होती है, सब्जेक्ट टू वियर एंड टीयर, जैसे कि मैंने बताया है कि ये वियर मतलब कुछ फाड़ने और चीड़ने से रिलेटेड होते हैं, दैट इज स्किन हेयर एंड नेल्स, जैसे कि ये हमारे स्किन के ये जो हेयर हैं बाल, तो ये जो हमारे बाल होते हैं ये प्लस हमारे जो नाखून होते हैं ये हमारे केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम नाम के लेयर से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट द सरफेस लेयर कंसिस्ट ऑफ डेड एपिथीलियल सेल्स, जो हमारे बाल होते हैं और नाखून होते हैं तो ये हमारे क्या करते हैं डेड एपिथीलियल सेल से मिलकर के बने होते हैं, यानी ये जिंदा नहीं होते हैं, ये जो आपकी लेयर्स होती हैं वो डेड एपिथीलियम सेल से मिलकर के होते हैं एंड हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियाई, और इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता, ना बाल में न्यूक्लियस होता है ना नाखून में न्यूक्लियस होता है, एंड कंटेन द प्रोटीन केराटिन, और इसमें केराटिन नाम का एक प्रोटीन भी होता है जैसे कि हमारे बालों में और नेल्स में, तो ये हमारे किस चीज़ के काम आते हैं वियर एंड टीयर, जैसे हम कुछ चीज़ फाड़ेंगे जैसे कि हम कोई अमरूद हो गया संतरा हो गया इनको हम चीड़ते फाड़ते हैं तो ये केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम नामक लेयर से, और प्रोटीन इसमें कौन सी होती है केराटिन प्रोटीन होती है जिसकी वजह से इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही इसमें
इसमें कोई जिंदा सेल्स होती हैं, यानी डेड सेल्स की मिलकर के बनी होती हैं, इसलिए इनमें किसी प्रकार का ना पेन होता है ना दर्द होता है। नेक्स्ट है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, दिस प्रोटेक्ट्स मॉइस्ट सरफेस, यानी जो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम्स होती हैं ये मॉइस्ट सरफेस को प्रोटेक्ट करती हैं, यानी जैसे कि हमारी लिप्स हो गया, मुंह के अंदर वाले पोर्शंस हो गए, लंग्स के अंदर वाले कुछ पोर्शंस हो गए, तो इनको सूखने से बचाती हैं ये नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम्स जो होती हैं, प्रोटेक्ट द मॉइस्ट सरफेस, यानी जहाँ पे हमें गीला रहना चाहिए जो जिस सरफेस को वहाँ पे गीला रहने के लिए ये हेल्प करती हैं। जैसे कि एग्जांपल हम बताते हैं कंजक्टाइवा ऑफ द आई, ये हमारी आंख जो देख रहे हैं इसमें ये जो सफ़ेद वाला पोर्शन ये कंजक्टाइवा कहलाता है, तो कंजक्टाइवा जो होता है तो इसको हम लगातार ये सूखने से बचाता है, तो ये यहाँ पर के नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम नाम की लेयर होती हैं। द लाइनिंग ऑफ द माउथ, जैसे कि मुंह के अंदर वाली जितना भी पोर्शन आप देखते हैं ये हमेशा गीला बना रहता है, तो यहाँ पे कौन सी टिश्यूज पाए जाते हैं, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। एंड द फैरिंक्स, जीव जलारंग्स के बाद फैरिंग्स यहाँ पे पाया जाता है गले के जस्ट नीचे, तो यहाँ पे भी ये नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम लेयर्स होते हैं। एंड द फैरिंक्स, और फैरिंक्स भी, यानी फैरिंक्स लारिंग्स के बाद जो फैरिंक्स होता है, एंड ईसोफेगस जो हमारा फूड पाइप होता है जिसमें हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद यहाँ से जो नीचे नीचे की ओर पूरा पाइप जुड़ा होता है पेट तक, उसको ईसोफेगस बोलते हैं, तो इन जगहों पर भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, दिस इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ पियर शेप सेल, इट इज फाउंडिंग लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड इट्स एलाउ फॉर स्ट्रेचिंग एज अ ब्लैडर फिल्स। ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है हमारे बॉडी के अंदर जो पाए जाते हैं। ब्लैडर आप जानते होंगे जिसमें से, जैसे हम कोई पानी पी लिए, पानी पीने के बाद वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, फिर किडनी उसको छानती है, किडनी छानने के बाद फिर यूरेटर्स होते हैं उनमें से पहुंच करके ब्लैडर में ये हमारा यूरिन पहुंच जाता है, तो ब्लैडर जब फुल हो जाता है तो फुल होने के बाद उसको स्ट्रेचिंग कैपेसिटी जो, यानी पहले छोटा होता है ब्लैडर, जैसे 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 उसमें यूरिन भरता जाएगा तो वो और बड़ा हो जाएगा, तो और बड़ा होने पर जो स्ट्रेचिंग कैपेसिटी होती है यानी जो खींचने की जो क्षमता होती है उसको बड़ा होने के लिए, तो वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल्स की ही वजह से होता है। नेक्स्ट, ये जो आप पिक देख रहे हैं ये फिगर है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज का, तो ये पहला जो आप पिक देख रहे हैं ए नंबर वाला, तो वो रिलैक्स्ड है, जब हमारा ब्लैडर फुल नहीं होता है तो वो रिलैक्स्ड कंडीशन में होता है, यानी ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग नहीं, थोड़ा सा ऐसा सिकुड़ा सिकुड़ा सा रहता है। नेक्स्ट दूसरा नंबर है जो बी नंबर का देख रहे हैं वो स्ट्रेस्ड है, स्ट्रेच मतलब कि जब यूरिन जैसे 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 फुल होता जाएगा तो वो स्ट्रेच यानी खींच, जैसे आप रबड़ खींचते हैं ना उस टाइप का स्ट्रेचिंग हो जाता है। नेक्स्ट है सी नंबर, लाइट माइक्रोग्राफ ऑफ ब्लैडर वॉल शोइंग ट्रांजिशनल एपिथेलियम पिंक अबव स्मूथ मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जो तीसरा है तो ये लाइट माइक्रोग्राफ का पिक है, तो इसमें से क्या है स्ट्रेचिंग कैपेसिटी और स्मूथ मसल्स दोनों के लिए दिखाया गया है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू, आपने अभी तक जो पढ़ा वो एक टाइप का टिश्यू था, अब दूसरा मेन जो टाइप है हमारे बॉडी में, जो मैंने फोर मेन टाइप बताया था उसमें से दूसरा है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट एब्डुसेंस टिश्यू इन द बॉडी, द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर मोर वाइडली स्प्रेड, यानी हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा इन्हीं की ही मात्रा होती है, फ्रॉम ईच अदर देन एपिथेलियल टिश्यू मोस्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैव अ गुड ब्लड सप्लाई, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें से ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिसमें से बहुत अच्छी ब्लड की सप्लाई होती है, यानी खून की सप्लाई उनमें अच्छी होती है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कई टाइप के मैंने बताया, जैसे बोन, बोन भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, जो हमारा खून होता है ब्लड और लिम्फ होता है ये भी हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, इस टाइप के और भी बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर में आते हैं, इनमें से हम एक एक करके डिस्क्रिप्शन करेंगे। मेजर फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन होता है वो हमारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी हमारा जो बॉडी का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसको ये सपोर्ट करता है, और प्रोटेक्शन यानी इसको सुरक्षा भी प्रदान करता है। सेल्स इज कनेक्टिव टिश्यू,
अब हम जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, पहले उस टिश्यू के बारे में जान लें, फिर उसके टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होगा उसका टाइप के बारे में आगे बताएंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होते हैं तो वो कैसे होते हैं इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू एक्सक्लूडिंग ब्लड इज फाउंड इन ऑल ऑर्गन सपोर्टिंग द स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू ब्लड सहित इंक्लूड करके ये हमारे बहुत सारे स्पेशलाइज्ड टिश्यू को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट आर लार्ज सेल विद द इरेगुलर प्रोसेस। जो कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं ये इरेगुलर प्रोसेस से फैले हुए होते हैं। दे प्रोड्यूस्ड कोलेजन एंड इलास्टिक फाइब्रस एंड मैट्रिक्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, वेरी फाइन कोलेजन फाइबर्स समटाइम्स कॉल रेक्टिकुलिन फाइबर्स आर फाउंड इन वेरी एक्टिव टिश्यू सच एज द लीवर। जैसे कि हमारा लीवर होता है, लीवर हमारे पाचन तंत्र में पाया जाता है और ये पाचन के लिए बहुत अच्छा भी होता है। तो जो लीवर होते हैं तो लीवर में इस टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं जिनको फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोफेजेस। दीज आर इरेगुलर फेज, यानी जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें माइक्रोफेजेस भी होते हैं। देज आर इरेगुलर शेप, ये रेगुलर शेप नहीं होते, इरेगुलर मतलब किसी भी शेप में पाए जाते हैं। विथ ग्रेन्यूल्स, और ये दाने लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म बिकॉज दे आर एक्टिवली फैगोसाइटिस इनगल्फिंग डिजेस्टिंग सेल डेब्रिट्स बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन बॉडीज। माइक्रोफेजेस, माइक्रोफेजेस यानी इन टिश्यूज में माइक्रोफेजेस भी पाए जाते हैं जो कि हमारे फॉरेन बॉडी, जैसे हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है और जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में जाती है तो ये इंगल्फ करते हैं यानी उनको निगल जाते हैं। तो ये माइक्रोफेजेस भी इन्हीं टिश्यूज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स आर नॉर्मली फाउंड इन स्मॉल नंबर इन हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू, इनमें ल्यूकोसाइट्स भी पाए जाते हैं जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। तो ये स्मॉल नंबर में भी ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट मास्ट सेल, यानी जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें मास्ट सेल भी पाया जाता है। दे आर फाउंड इन लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू का सब टाइप है। तो दे आर फाउंड इन लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड अंडर द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ सम ऑर्गन्स, एग्जाम्पल लीवर एंड स्प्लीन। मास्ट सेल जैसे हमारी लीवर होती हैं और स्प्लीन होती हैं, ऐसे कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल भी पाया जाता है। दे प्रोड्यूस ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिपेरिन। तो ये मास्ट जो सेल होते हैं तो एक छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर कंटेन रखते हैं जिसमें से हिपेरिन, हिस्टामिन एंड अदर सबस्टेंसेस भी रिलीज होते हैं। तो हिपेरिन क्या होता है, हमारा जो खून का जो थक्का बनता है, तो थक्का बनने से रोकने के लिए यानी हिपेरिन उसको लगातार ब्लड को थिन करने के लिए रिलीज होता है। हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन जैसे हमारे बॉडी में कुछ चोट लग जाती है, कुछ इंजरी लग जाती है, तो उस समय पे जो हिस्टामिन रिलीज होता है तो एलर्जिक रिएक्शन देता है जिससे हमारी बॉडी को पता चलता है कि समथिंग इज एबनॉर्मल, यानी कुछ यहाँ पे एबनॉर्मल है, तो जिसको इन्फ्लामेटरी रिएक्शन भी बोलते हैं। हिपेरिन प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो जो हिपेरिन होता है वो हमारे ब्लड के थक्का बनने से रोकता है। तो ये सारी चीजें भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है तो हम उसको डिस्कस करेंगे, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो जो अभी हमने पढ़ा ये कनेक्टिव टिश्यू था, अब ये कनेक्टिव टिश्यू का पहला टाइप है जिसको हम लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज द मोस्ट जनरलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू। इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। जो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं तो ये हमारे एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी यानी हमारे बॉडी के लगभग हर जगह पे, हर पार्ट पे ये पाए जाते हैं। प्रोवाइडिंग इलास्टिसिटी, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब कि एक स्ट्रेचिंग कैपेसिटी, जैसे इलास्टिक हमारा होता है। एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इज कनेक्ट एंड सपोर्ट अदर टिश्यू, ये कि अदर टिश्यूज को भी सपोर्ट करते हैं। ये हमारा पिक है लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। ए नंबर का डायग्राम है बेसिक स्ट्रक्चर है, बी नंबर का है जो कलर्ड स्ट्रक्चर है। ये हमारा टिश्यू का लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का पिक्चर है। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। ये दो मेन दो टाइप के होते हैं, व्हाइट और ब्राउन।
एडिपोज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फैट सेल्स, जैसे मैंने बताया था हमारे बॉडी का मोटापा और बहुत सारी चीज़ें हमारे कई सारे टिश्यूज से मिलकर के बनती हैं, तो उसमें से ये एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू जो हमारा दो टाइप का मेन होता है, इसमें व्हाइट होता है और ब्राउन होता है। ये देखिए, ये आप पिक देख पा रहे हैं एडिपोज टिश्यू का। तो ये एडिपोज टाइप का जो ए नंबर का डायग्राम है बेसिक स्ट्रक्चर, और बी नंबर वाला जो डायग्राम है वो कलर स्ट्रक्चर है। व्हाइट एडिपोज टिश्यू क्या होता है? दिस इज मार्क अप टू 20-25% बॉडी वेट इन वेल नरिश्ड एडल्ट। यानी अगर किसी व्यक्ति का वजन अगर 100 किलो है तो उसमें से जो लगभग 25 किलो का वजन होगा वो हमारी व्हाइट एडिपोज टिश्यूज का होता है। यानी 20 से हमारी एक बॉडी में अगर किसी का 50 किलो है तो यानी 12 से लेकर के 13 किलो जो वजन होगा वो हमारा व्हाइट एडिपोज टिश्यू से मिलकर के बना होगा। ब्राउन एडिपोज टिश्यू सिर्फ हमारे न्यू बॉर्न में ही पाया जाता है। न्यू बॉर्न क्या है, जो नया बच्चा जो जन्म लेगा उस समय पे ही ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है, फिर बाद में व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है लिम्फॉइड टिश्यू। इट कंटेन रेटिकुलर सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फॉइड टिश्यू फाउंड इन लिम्फ नोड। लिम्फॉइड टिश्यू भी एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। यह फ्लूइड के लेवल से होता है, फ्लूइड होता है एक प्रकार का, जो कि हमारे कहाँ पाया जाता है, लिम्फ नोड। हमारे बॉडी में जब लिम्फेटिक सिस्टम हम पढ़ाएंगे तो उसमें लिम्फ नोड होंगे और लिम्फेटिक जो ऑर्गन सिस्टम होगा यानी लिम्फेटिक सिस्टम में ये इस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ये जो आप पिक देख पा रहे हैं ये लिम्फॉइड टिश्यू का पिक है। नेक्स्ट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। दिस कंटेन मोर फाइबर्स एंड फीवर सेल्स। यानी जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं और सेल्स बहुत कम होते हैं। इसमें से फर्स्ट होता है इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू कैपेबल टू कंसिडरेबल एक्सटेंशन एंड रिकॉइल। जो इलास्टिक टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, रिकॉइल यानी वापस से एक मुड़ने में या कॉइल होने में और साथ में स्ट्रेच होने में, यानी उनको फैलने में ये बहुत हेल्प करते हैं। इट इज़ फाउंड इन ऑर्गन वेयर स्ट्रेचिंग और अल्ट्रेशन ऑफ सेन रिक्वायर। जैसे कि हमारे बॉडी में कोई भी किसी प्रकार का शेप अगर रिक्वायरमेंट होगी तो उस शेप में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमारा लार्ज ब्लड वेसल्स वॉल, जैसे कि हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें बहुत लंबी होती हैं और कुछ मोटी भी होती हैं, तो जहाँ पे जैसी ज़रूरत होगी वो इस टाइप का ही वर्क करती हैं। एंड द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, जैसे ब्रोंकाई हमारे बहुत छोटे छोटे होते हैं, ट्रैकिया थोड़ा बड़ा होता है, लंग्स में जो एल्वोलाई वगैरह होते हैं उसके ऊपर भी ब्रोंकस वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों से इलास्टिक टिश्यू से ही मिलकर के बने होते हैं। ये पिक है ए नंबर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। ए नंबर है अपना फाइब्रस टिश्यूज, बी नंबर होता है फाइब्रिक टिश्यूज। नेक्स्ट है ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कुछ नहीं, जैसे मैंने बताया था ऊपर सबसे ऊपर जो चार्ट में बताया है जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी होता है ब्लड, और बोन भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। मैंने आपको पहले डायग्राम से भी बता दिया है और पहला जो सबसे ऊपर चार्ट मैंने बताया उसमें से भी बताया है। तो बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स आर सराउंडेड बाई अ मैट्रिक्स ऑफ कॉलेजन फाइबर्स स्ट्रेंथेंड बाई इनऑर्गेनिक साल्ट स्पेशली कैल्शियम एंड फॉस्फेट। जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, जो बोन होती है, आगे हम स्केलेटल सिस्टम भी पढ़ेंगे, तो वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बनती हैं, जो कि जब इसमें स्ट्रेंथन जो प्रोवाइड होती है इनको कैल्शियम और फास्फोरस से होती है, यानी हड्डियों की मजबूती कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बनी होती है, जो कि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है ये। नेक्स्ट है मस्कुलर मसल्स टिश्यू। तो मसल्स जो टिश्यू होगा वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज हमने टिश्यू के बारे में जाना और टिश्यू के कुछ इंपॉर्टेंट फोर टाइप जाने, उन फोर टाइप के अंदर जो सब टाइप होते हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने किया। सो कल हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिश्यू। थैंक यू क्लास।